जीत चुकी है रूबीना, और क्या कहना चाहेंगे, रूबीना आप पर तेरे डिजर्विंग कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं बिग बॉस के अंदर उनको काफ़ी नीचा दिखाया गया, सलमान सर ने भी काफ़ी बायसनेस किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपने देखा है? हम क्यों ना पॉजिटिव जोन को देखें उसमें, हम क्यों हमेशा नेगेटिव जोन को देखें। रूबीना ने बहुत अच्छा खेला है, एंड मैं रियलिटी टीवी शो कर चुका हूँ एमटीवी के लिए, सो मैं तो सल्यूट करूँगा जो लोग बिग बॉस में चार चार महीने रहते हैं। मैं तो सिर्फ एक महीना ही था वहाँ, क्योंकि एक महीने में ख़त्म हो जाता है हमारा वाला, तो ये चार महीने रहना और बिल्कुल उन्हीं लोगों के साथ रहना, यू हैव नो आइडिया कितना मेंटल प्रेशर होता है। जब मैं स्प्लिट्स विला में था तो मुझे पता है कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर था, और वहाँ तो इट्स नॉट लाइक 100 यू नो फुल डे यू आर बंद। सो यहाँ तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मैं बिग बॉस में जाऊँ, लेकिन जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई इनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, क्योंकि यू लूज़ इट एंड उसके बाद भी अपने आप को कंट्रोल करके रखना, जो रूबीना ने किया, और सब ने काफ़ी लूज़ किया है। रूबीना ने तो फिर भी खुद फाइट्स पिकअप नहीं करी उसने, जो मैं देखूँ, बट शी वॉज़ वेरी डिफेंसिव, तो दैट्स हाउ शी वन बिकॉज शी डिजर्व्ड इट। अभिनव शुक्ला के साथ जो हुआ उसको लेके आपके क्या कहने के, क्योंकि क्या हुआ उनके साथ, जब स्टार्टिंग से उन्होंने खुद खेला एंड तक, लेकिन जो मेन होता है माए बाप ऑडियंस, उनके वोट से नहीं निकाला गया, लेकिन जो घर के चार पांच जन थे उनके वोट के द्वारा बाहर निकला था, आपको लगता है गलत है? जो पाँच महीने तक बिग बॉस के अंदर रहता है और ऐसे निकला, चार महीने जो भी चार फोर है, वो तो स्प्लिट्स वाला जोन ही हो गया ना फिर, क्योंकि स्प्लिट्स वाला में भी लोग मिलके ही निकालते हैं लोगों को। तो अभिनव वॉज वेरी गुड, बट ऑब्वियसली बात है कि रूबीना की जो फैन फॉलोइंग थी वो उनको बचा रही थी, जैसा हमने सुना है, हमने वोट्स तो काउंट नहीं किए बट जो सुना है मैंने, और आई थिंक उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी थी, एंड ही कैरिड हिमसेल्फ वेरी वेरी वेल, एंड ठीक है वो काफ़ी टाइम तक रहे हैं, तो इट वॉज अ गुड जर्नी। राखी सावंत को आपने कैसा देखा? शी इज़ अ बिग एंटरटेनमेंट। राखी इज़ माई फ्रेंड ऑल्सो इन रियल लाइफ, वो बहुत ही अच्छी हैं और वो ऐसी हैं, और इनफैक्ट उनकी काफ़ी इमेज भी चेंज हुई है बिग बॉस में इस बार आके, एंड उन्होंने बहुत सारा प्यार बांटा है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। ये देखा जाए जो इंसान बाहर बहुत हंसाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी काफ़ी परेशानी रहती है। परेशानी किसकी लाइफ में नहीं होती है, जो दिखता है वो वैसा होता है। परेशानी आपकी लाइफ में भी होगी, परेशानी ऐसा कोई इंसान नहीं इस दुनिया में जिसकी लाइफ में परेशानी ना हो, बट हम उसे ओवरकम कैसे आते हैं, दैट्स हाउ यू आर, यू शुड बी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि राखी एंटरटेनमेंट है लेकिन जीत नहीं सकती है, ये कुछ ना कुछ अलग नहीं है? कई लोगों ने कहा कि जीत नहीं पाएगी लेकिन एंटरटेनमेंट कर रही, टीआरपी ला रही है शो को, तो ये इस पर जो आपने स्प्लिट्स पिला गया इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब जीतना और हारना तो ऑडियंस के हाथ में, ऑब्वियसली उनके वोट्स में, सो उस पर मैं क्या कमेंट करूँ। ओके, आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहिए? खुश रहें, इंजॉय करें, डोंट वरी बी हैप्पी, काम करो अच्छे से, पैसा कमाओ, पार्टी करो, हैव फन, मेरे वीडियोस देखो, शोज देखो, एंड प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच।